I get a bag, no, no chills. I get these chips, no dub. No like we playin' poker, she wearin' a joker, but she तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग मैं आपका दोस्त और स्टॉक्चर और आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ गाइज सो तो गाइस जैसे कि आप सबको तो पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में फ्री फायर के डेड केसेस मर्डल स्कैम्स ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके ये सब तो चीज़ों को अचानक से दिखाया जा रहा है तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले कि ऐसे अचानक से हुआ क्या जो पहले दो दो तो तीन तीन महीने में केसेस दिखते थे अब वो एक दिन में चार चार पाँच पाँच केसेस दिख रहे हैं इसके पीछे की आपको थोड़ी सी रियलिटी समझाने की कोशिश करूँगा तो ये सब स्टार्ट हुआ करीबन दो तीन चार हफ्ते पहले से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो, होनी चाली हुई जब जब हमें पता चला कि फ्री फायर के रेवल गेम आप समझ गए हो मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ उसका इंडिया में रिलॉन्च होने वाला है तो उसके बाद से अचानक से केसेस इतने ज़्यादा कैसे बढ़ने लगेगा इस मतलब जो पहले दो दो तो तीन तीन महीने में होता था वो डेली चार पाँच 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 केस हो रहे हैं अगर आप थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई गेम करा रहा है या फिर कोई गेमिंग कंपनी करा रही है और ये गेम के हेटर्स करा रहे हैं क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी रिसर्च करी होगी कि डेड केसेस को लेकर के तो अगर आप ये सब चीज़ों को जाके गूगल में सर्च मारोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और कोई कोई चीन में सीन में ऐसा सीन बन रहा है कि अगर बच्चे सुसाइड कर ले रहा है तो उसको गेम से रिलेट कर दिया जा रहा है बिना प्रॉपर प्रूफ के बच्चे ने सुसाइड किया बच्चा गेम खेलता था तो उसको बस उसी से रिलेट करके क्वेश्चन मार्क लगा के डाल दिया जा रहा है सोशल मीडिया में प्रमोट किया जा रहा है इससे फ्री फायर की रेप्यूटेशन पर बहुत ही ज़्यादा सवाल उठने लग गए अचानक से लोग डर रहे हैं लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है अगर ऐसे ही चलते रहेगी तो गेम भी गेम बैन हो जाएगा जो कि सही भी है क्योंकि फ्री फायर की रेप्यूटेशन को इतनी इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया पिछले कुछ दिनों में तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ख़तरा है ये फ्री फायर के लिए और फ्री फायर कम्यूनिटी के लिए तो इससे बचने के लिए हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सामने आना पड़ेगा इस चीज़ के खिलाफ स्टैंड लेना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा अगर हमें अपना गेम बचाना है तो बस इस आज वीडियो में इतना ही अगर आप थोड़ा सा भी समझ रहे हो कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ और अगर आपको मेरे पॉइंट्स वैलिड लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फिर मिलेंगे एक और वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गाइस